स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और रेलवे अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें मुख्यतः रेलवे की छोटी रेल लाइन की भूमि पर सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें छोटी लाइन से लेकर ग्वारीघाट तक सड़क बनाने पर सहमति बनी है। वहीं सगड़ा बाईपास पर फ्लाई ओवर बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि एक सकारात्मक बैठक रेलवे अधिकारियों के साथ हुई है, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। वहीं इस दौरान उन्होंने आपातकाल को देखते हुए कहा कि आपातकाल का एक ऐसा काला दिन था जिसमें लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया गया। जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहीं आपातकाल को देश कभी नहीं भुला सकता, जिसमें अपने हितों को देखते हुए करोड़ों लोगों को आपातकाल की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक रेलवे के साथ में हमारी हुई है, उसमें मुख्य रूप से विषय था जहां नैरोगेज की लाइन थी ग्वारीघाट वाली, उस जमीन के उपयोग को लेकर लंबे समय से चर्चाएं रेलवे के साथ चल रही थी। आज बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, उसमें दो अलग अलग विषयों पर बातचीत प्रमुखता से है। एक है कि जमीन का हस्तांतरण भले ही ना हो, लेकिन वहाँ पूरे पे रोड बन जाए और वो रोड बने, जमीन का मालिकाना हक भले ही रेलवे के पास रहे। दूसरा है कि जो प्रस्तावित किया गया है रेलवे को, अभी गधेरी की ज़मीन लेकर रेलवे यहाँ की ज़मीन मध्य प्रदेश शासन को हस्तांतरित कर दे, उस पर रेलवे की अभी तक आपत्ति थी, वो गधेरी की ज़मीन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आज उस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है और उम्मीद है कि उस पर संभावना बन जाएगी। कुल मिलाकर अब इस बात के लिए हम आश्वस्त हैं कि ग्वारीघाट तक जो गोरखपुर से लेकर ग्वारीघाट तक की जो छोटी लाइन फाटक छोटी लाइन की जो ज़मीन थी, नैरोगेज की जो ज़मीन थी, उसका उपयोग अब मध्य प्रदेश सरकार जबलपुर के हित में, जबलपुर के विकास में कर सकेगी। आज की बैठक के बाद में ये स्पष्ट हो चुका है और छोटी मोटी उसमें कुछ औपचारिकताएँ हैं, उनकी कुछ पानी की पाइपलाइन है, उनकी शिफ्टिंग का विषय एक है, तो उस पर मोटे रूप में कोई आपत्ति नहीं है। पाइपलाइन की शिफ्टिंग को लेकर वो की जा सकती है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।